नमस्ते भाइयों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट बस्सी। ट्रैवल एंड टॉक्स लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार रोज। जी हाँ, बहुत टाइम के बाद लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार रोज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी किसी भी हाल में, तो करो इस चैनल को लाइक, और नए हो बने रहने के लिए बस आपको एक खूबसूरत सा प्यारा सा बटन होगा नीचे, जिसमें लिखा होगा सब्सक्राइबर का बटन। बन जाओ मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा, तब तक के लिए एंजॉय करो ये वीडियो। तो चिंता ना करो, मैं बात करने वाला हूँ बोझ की, जो नई नई आई है और उसमें स्टार कास्ट है आपके, बता दूँ एक बार। नेट चालू हो जा, हो गया। तो बोझ कास्ट, तो भुज के स्टार कास्ट है, मेन लीड में अजय देवगन, एक साउथ इंडियन लेडी है नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर, श्रद्धा कपूर करती, मेरे को तो नहीं दिखी, आपको दिखी हो तो पता नहीं, संजू बाबा, इलियाना डिल्लन, एमी वर्क, सोनाक्षी सिन्हा, राणा भूपति, ये मूवी शुरू होने से पहले है, शरद शरद केलकर, परिणीति चोपड़ा कहाँ है? ये गूगल मेरा भूतिया बना रहा है। मनीष शेट्टी, हंसा सिंह, और भी बहुत कोई है, लेकिन लेकिन तीन लेकिन अजय देवगन, नोरा, संजू बाबा, अम्मी विरक, तीनों से एक्टिंग नहीं हुई, ठीक है। और मेरे को लगा ये वो बॉर्डर नहीं आई थी, वो सनी देओल की, वो जिसमें वो था संजय, संदेश से आते हैं, तो मेरे को वो, अरे यार चुप हो जा ये। हाँ, तो मेरे को बॉर्डर लगी थी, ये सस्ता बॉर्डर, बॉर्डर सॉरी, बॉर्डर आई थी 1997 में, और ये आई है 2021 में 15 अगस्त। मतलब चार एक्टर है, चारों एक्टर से एक्टिंग ही नहीं हो रही। नोरा फतेही पाकिस्तान में बैठी है, ठीक है, पाकिस्तान वाले हमारे साथ चाय पीने वाले हैं। अजय देवगन पता नहीं विन डीजल का कोई स्टंट है, एक स्टंट था, जैसे कि ये हेलीकॉप्टर है, ये गाड़ी है, ठीक है, हेलीकॉप्टर नहीं, प्लेन, हरकुलिस, हरकुलिस ऐसे आता है और यहाँ लैंड करता है, और उसके जो पहिए हैं वो आपके गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। मतलब विन डीजल को बीट कर दिया भाई साहब इन्होंने, और हाईवे को इन्होंने रिपेयर किया है, अपने रनवे को रिपेयर किया है 48 आवर्स में, 48 आवर्स में इन्होंने अपना रनवे रनवे रिपेयर किया है। मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती, सोनाक्षी सिन्हा ठीक है, अजय देवगन फिर भी ठीक है, अमी विरक वो भी ठीक है, संजू बाबा वो भी ठीक है, नोरा फतेही, अबे उसको क्यों लिया है, नूरा फतेही को क्यों लिया है तूने, तुम लोगों ने? मतलब मालूम है आजकल का गाना, धिचक 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 धिचक, दिल भर दिल भर, नूरा फतेही एक आइटम गर्ल है, आइटम नंबर रिप्रेजेंट करती है हर मूवी में, लेकिन अबे इसमें कहाँ है? मेरे को तो दिखानी, मेरे को सच में नहीं दिखा आइटम नंबर इससे भरा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा उरी देख लो, बॉर्डर देख लो, ठीक है, शेरशाह देख लो, और ये मत देखो, बुझ मत देखो, क्योंकि
क्योंकि आपका दिमाग खराब होगा, पैसे खराब होंगे, टाइम खराब होगा, सब कुछ खराब होगा। और भाई अजय देवगन से डांस नहीं होता, एक्टिंग तो भूल ही जाओ, आंखें उसकी ऐसे हैं ऐसे। अरे आता मौजी से तकली, आता मौजी से तकली। मेरा एक सजेशन है कि आप रोहित शेट्टी की मूवी में जाइए प्लीज, वहाँ पे कॉमेडी होता है, ग्लैमर होती है, गाना होता है, ठीक है, वहाँ पे आप उंगली तोड़िए लोगों की प्लीज। लेकिन पर मतलब मूवी शुरू कब हुई, खत्म कब हुई, मेरे को पता नहीं चला, पापा के साथ देख रहा था मैं। मूवी शुरू कहाँ हुई, खत्म कहाँ हुई, बीच में क्या हुआ पता नहीं चला। ये पता है इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही है, ठीक है, सस्ते वाली, क्योंकि पता नहीं कितने साल पहले सनी पाजी ने वो लौंगे वाला में सेम शूटिंग करी थी। उसकी वजह से एक और वो हो गई वॉर, वो भी सेम जगह बट इन चीप लेवल। ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार। देखो हम लोग जाते हैं, आप लोग जाते हो मूवी देखने, एंजॉय करने, ठीक है। अब मूवी में कोई ना सिर ना पैर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। क्या यार, क्या मूवी बनाई है आपने? तो यार मेरे को ये मूवी समझ में नहीं आई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग समझ में नहीं आई है। हाँ मेरे को शेरशाह समझ में आ गई है, बॉर्डर समझ में आ गई है, उड़ी तक समझ में आ गई है, लेकिन सॉरी टू से आई कांट अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ मूवीज, सॉरी सॉरी। और एक एक टाइम पे तो बागी भी समझ में आ गई थी मेरे को, बागी 1 2 3 वो तक समझ में आ गई थी मेरे को, लेकिन भुज यार मेरे को समझ में नहीं आई है, सॉरी टू से, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया भुज का, तो लाइक करो। अगर आप नए हो तो करो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब। और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो शायद व्लॉग होने वाला है, पहले बता दूँ। और अपने मॉम डैड से कराओ सब्सक्राइब, पापा से कराओ सब्सक्राइब, ताकि वो ना मिस कर सके मेरी कोई भी अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय। और हाँ, हैप्पी राखी।